भारतीय सिनेमा संगीत का नायाब सितारा, जिन्होंने फिल्मों में शास्त्रीय संगीत के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया और अपने अमूल्य योगदान से इसे समृद्ध किया। जी हाँ, सबसे महान और अग्रणी संगीत निर्देशकों में शुमार नौशाद अली। संगीत जिनकी इबादत थी, संगीत जिनके रोम रोम में बसा था। नौशाद का जन्म हुआ 25 दिसंबर 1919 को तहजीब और नजाकत के लिए मशहूर नवाबों के शहर लखनऊ के अकबरी गेट कंधारी बाजार झमाई टोला में एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में। वालिद मुंशी वाहिद अली, बचपन से ही नौशाद को का मन संगीत में बसता था, जबकि परिवार संगीत के विरोध के इस्लामी फरमान का सख्त हिमायती था। कहते हैं जब नौशाद की शादी तय हो रही थी, बताया गया कि वे दर्जी का काम करते हैं, क्योंकि संगीत सृजन को हेय दृष्टि से देखा जाता था। बचपन में नौशाद छुप छुप के क्लब में मुख फिल्में देखते थे और अमीनाबाद के मुख्य बाजार में वाद्य यंत्रों की एक दुकान में महज इसलिए नौकरी करने लगे थे ताकि साजों को बजाने का मौका मिले। उन्होंने उस्ताद उमर अंसारी से संगीत भी सीखना शुरू कर दिया था। इसी में उन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई भी पूरी की, लेकिन संगीत के लिए नौशाद का जुनून वालिद को नागवार गुजरा और नौबत यहां तक आ गई कि एक दिन उन्होंने घर या संगीत दोनों में से किसी एक को चुनने की शर्त रख दी। मगर नौशाद के ख्वाब और पांव को रोक ना सके उनके वालिद नौशाद ने घर की जगह संगीत को चुना और मात्र 16 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया। कुछ दिन लखनऊ के विंडसर एंटरटेनर म्यूजिकल ग्रुप के साथ दिल्ली, मुरादाबाद, जयपुर, जोधपुर, सिरोही जैसे जगहों की यात्रा की और अंततः इस म्यूजिकल ग्रुप के बिखरने के बाद सपनों की नगरी बंबई चले आए, जहां दादर में ब्रॉडवे सिनेमा के सामने फुटपाथ पर शरण ली। संघर्ष के इन दिनों में उन्हें उस्ताद मुश्ताद हुसैन खां, उस्ताद झंडे खां और पंडित खेमचंद प्रकाश जैसे उस्तादों की सोहबत नसीब हुई और उन्होंने संगीत की बारीकियों को सीखा। शुरुआत उन्होंने की एक पियानो वादक के रूप में उस्ताद झंडे खां की टीम में, फिर फिल्म में कंचन में खेमचंद्र प्रकाश के सहायक के रूप में काम किया। स्वतंत्र रूप से संगीत निर्देशन उन्होंने 1940 में फिल्म प्रेम नगर में किया, मगर पहचान बनी 1944 में फिल्म रतन से, जिसमें जोहराबाई अंबाले वाली, अमीरबाई का नाटकी, करण दीवान और श्याम के गाय गीत खूब लोकप्रिय हुए और यहीं से शुरू हुआ कामयाबी का ऐसा सफर जो कम लोगों को हिस्से आता है। अपने इस सफर में उन्होंने कई प्रतिभाओं को मौका दिया। गायन का हास्य अभिनेत्री टुनटुन यानी उमा देवी का गाया फिल्म दर्द का ये गीत। अगले साल 1948 में फिल्म मेला के लिए उनके संगीत को पसंद किया गया। फिल्म दुलारी, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। और अंदाज, कहे अगर जीवन पर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं, आज मैं अपने दिल की हर दिल में लगाता जाऊं, चुप दर्द मिटाता जाऊं। के संगीत को भुलाया नहीं जा सकता। 50 के दशक में उनके संगीत निर्देशन में फिल्म में बाबुल, के गीत को पसंद किया गया तो फिल्म में बैजू बावरा के लिए उन्हें 1954 का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इसी तरह फिल्म आन, आन मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार, मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। अमर, उड़ान,
पूरन खटोला बरादरी और मदर इंडिया के कर्णप्रिय संगीत ने सबको मंत्रमुग्ध किया। 60 के दशक में भी उनके संगीत का जलवा बरकरार रहा। 1960 में प्रदर्शित मुगले आजम जैसे मील का पत्थर साबित हुई। इसके गीत लोगों की जुबान पर चढ़ गए। इसी साल रिलीज हुई कोहिनूर में भी शानदार संगीत दिया। तो फिल्म गंगा जमुना में लोक धुनों पर आधारित संगीत यादगार रहा। इसी तरह मेरे महबूब लीडर दिल दिया दर्द लिया रे आज इश्क में हम उस मकाम से नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से राम और श्याम आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले दिल की सलामी ले ले कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा आदमी साथी और संघर्ष No
नौशाद के संगीत को भुलाया नहीं जा सकता। नौशाद ने पहली फिल्म में संगीत देने गए 64 साल बाद तक अपने साज का जादू बिखेरते रहने के बावजूद केवल 67 फिल्मों में ही संगीत दिया, लेकिन उनका कौशल इस बात की जीती जागती मिसाल है कि गुणवत्ता संख्या बल से कहीं आगे होती है। सिनेमा संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 1982 में उन्हें प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, तो भारत सरकार ने 1992 में नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा। इसके अलावा 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार, तो 1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। नौशाद ने छोटे पर्दे के लिए द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान और अकबर द ग्रेट जैसे धारावाहिकों में भी संगीत दिया। सन 2006 में नौशाद ने आखिरी बार अकबर खां की फिल्म ताजमहल के लिए संगीत दिया, जिसके फ्लॉप होने का उन्हें हमेशा मलाल रहा। वे अक्सर कहा करते थे, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि अभी तक न मेरी संगीत की तालीम पूरी हुई है और न ही मैं अच्छा संगीत दे सका हूँ। और इसी मलाल के साथ 5 मई 2006 को वे इस दुनिया से रुखसत हो गए।